हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कश्यप और आप हैं मेरे चैनल टेक टेक्निकल इन हिंदी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एक टॉर्च की बैटरी को कैसे रिपेयर मतलब चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब रिपेयर तो मैं नहीं बता सकता उस, क्योंकि बैटरी में भैया उसे ओपन करना होगा, उसके बाद उसकी जो प्लेट्स हैं उनको चेंज करना होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पर वो छोटी बैटरी में नहीं हो पाता है काम, वो बड़ी बैटरी में ही हो पाता है। तो छोटी बैटरी में आपका सीधा सा समाधान ये है कि आप 200-400 रुपये खर्च ना करके 50 रुपये खर्च कीजिए और बैटरी को रिपेयर कर लीजिए, मतलब नई नई लाइट लाने से अच्छा तो यही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं जिस टॉर्च की बात कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली मेरे पास टॉर्च है, ठीक है ना। इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी मतलब पहले बहुत अच्छा बैकअप देती थी, लेकिन अब इस टाइम बैकअप नहीं दे रही है, मतलब इतना अच्छा बैकअप नहीं दे रही है। जैसे पहले चल जाती थी 3 घंटे, तो अब 2 घंटे चल पाती है। तो उस चीज़ को मतलब उस बैटरी को दोबारा से चेंज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने जो बैटरी परचेस की थी वो मेरे को मिली थी करीब 50 रुपये की, और आप ये मैं ये लाया था 250 रुपये की। तो अब मैं इसे चेंज करने में फ़ायदा है मुझे बैटरी को, ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट एक नई इमरजेंसी लाइट खरीद लाऊं और वो मैं यूज़ कर लूं। और ये इमरजेंसी के तौर पर भी काम करती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं इस तरीके से, और ये टॉर्च के रूप में भी काम करती है यूं करके। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये इस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। तो पहले इसका बैकअप अच्छा था, लेकिन इस टाइम इसका बैकअप अच्छा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, पर इसका बैकअप इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को भी देख लेते हैं और इस टॉर्च को भी देख लेते हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, यहां पर ये वाली बैटरी लगी हुई है, इसमें मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो ये बैटरी का मतलब इतना अच्छा बैकअप नहीं रह पा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए इसे चेंज कर रहा हूं, तो मैं इसे साइड में करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की ये वाली टॉर्च आप बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये बैटरी है मेरे पास, ये मेरे पास 50 रुपये की थी, मतलब थी नहीं, लेकर आया था मैं कल परसों ही, कल ही लेकर आया था शायद। तो 4 वोल्ट की है, 1.5 एम्पियर की है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, अगर आपके पास जो भी बैटरी है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, आप चाहें तो इसे मार्केट में डायरेक्ट ले जाइए, इस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, मतलब इस पर कुछ भी लिखा हुआ, बस मेड इन चाइना वगैरह लिखा रहता है पीछे, और कुछ खास करके कुछ लिखा नहीं रहता, ठीक है ना। तो आप इसे मार्केट में ले जाइए, उसको जहाँ पर बैटरी मिलती है, फिर आपको ये रिपेयर मतलब ये बैटरी आपको दे देते हैं, ठीक है ना। दूसरी, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे सिंपली रखते हैं और इसे बैटरी, फिर जो पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ से इस वायर को, प्लस को, जो हमारा वाइट वाला वो सॉरी रेड वाला वायर है वो प्लस का है, उसे हटा लेते हैं और ये हम लगा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए, हमने माइनस वाला वायर लिया, माइनस पर, ठीक है, उस पर पॉइंट बने हुए हैं, ये देखिए। तो हमने लिया और यहाँ पर लगा दिया, तो हम इस तरीके से इसे लगा देते हैं, ये देखिए लग गया। और हमारा प्लस का जो कि हमारा चिन्ह बना हुआ है, प्लस का प्लस रहता है, तो हम इसे लगा देते हैं, ठीक है। और इस बैटरी को हम साइड से रख देते हैं, वैसे हमारे ये काम की तो है भी नहीं, अब चाहें तो इसे अपने काम में ले सकते हैं, कोई और छोटी मोटी इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं, मतलब इसी की बहुत अच्छी इमरजेंसी लाइट बन जाएगी, जो मेरी इमरजेंसी लाइट वीडियो की जो मेरे चैनल पर वीडियो है जो मैंने हाल ही में कल परसों डाली है, उसे देख करके आप इस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें दोनों तरह की बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, छोटे मोबाइल की बैटरी को भी और इस वाली बैटरी को भी, उसका सर्किट आपको वीडियो में मिल जाएगा, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसे पैक कर दिया, और आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने कितनी आसानी से एक बैटरी को इसमें से चेंज कर दिया, मतलब आप इतना छोटा सा आसान सा काम है, आप इसे घर पर कर सकते हैं। आप अगर आपके पास अगर सोल्डर भी नहीं है, तब भी आपको क्या करना है कि पॉइंट छीलने हैं, उसके वायर के वायर छीलना है और उस बैटरी के पॉइंट पर अच्छे से लपेट देना है, और उसके बाद उस पर टेप लगा सकते हैं जिससे कि वो प्लस माइनस पॉइंट जुड़े ना और बैटरी खराब ना हो और शॉर्ट ना हो। बस उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपकी चेंज हो जाती है बैटरी और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका जो चीज़ है मतलब अब ये कैसे वर्क करेगी, तो मैं इसे दिखा देता हूँ। देखिए, लाइट को ऑफ कर दिया हमने मेन, और उसके बाद हमने क्या किया, इसे चला दिया। तो आप देख रहे हैं ये एक इमरजेंसी लाइट के तौर पर भी काम करती है, यूँ करके हम इसे खड़ी कर देते हैं तो, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, यूँ ये वर्क करने लग जाती है और ये काफ़ी अच्छी लाइट्स है मेरे ख्याल से, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये लाइट। और अब देखिए, हम आपको इसके सामने का जो है वो भी दिखा देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये भी आपको दिखा रहा है, तो देख रहे हैं ना ये वाला, ये मतलब पहले से अच्छी वर्क कर रही है, ठीक है ना।
तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसके, अब ये मतलब ये है कि आप अगर इस वाली लाइट को बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने बस इतना बताया, आप इस लाइट की जो बैटरी है उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी सिंपल वे में। अगर आपके पास आयरन भी नहीं है तो भी आप उसमें वायर को छील करके अच्छे से करके लगा सकते हैं। और इसमें से जो ये बैटरी निकली है, आप इसको भी और नई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप एक न्यू छोटी इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं, 5 बल्ब की, 10 बल्ब की LED लाइट जो छोटे वाले आते हैं बल्ब, बस उसमें आपको करना क्या, सर्किट लगाना होता है, वो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली जाएगी आपको, आप उस तरीके से बना सकते हैं। आप इससे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एक इमरजेंसी लाइट ही बनाए, छोटी कुछ भी बना सकते हैं, फैन भी बना सकते हैं छोटा सा, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, मतलब आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है या आपको इतने मतलब ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और न्यू वीडियोज़ के साथ। हैव नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम।